मैं आज बनाने जा रही हूँ मशरूम। ये मशरूम जो है पुआल के सीड से निकलता है, इसे मैं बनाने जा रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तब हम चलते हैं मशरूम को बनाने के लिए। इसके लिए हमें पहले गैस ऑन करके कढ़ाई में तेल ले ली है। उसके बाद उसमें सूखी मिर्च डालनी है। जब ये मिर्च लाल हो जाए तो उसमें इस मशरूम को धोकर दूंगी। ये मशरूम जो है बहुत ही टेस्टी होते हैं। खाने के बाद ऐसा लगेगा जैसे मैं मांस मछली ना खाऊं, मशरूम ही खाऊं। ये शाकाहारियों के लिए बहुत ही अच्छा पौष्टिक खाद्य है। इस प्रकार पानी निचोड़ के डालेंगे ताकि इसमें बहुत सारे पानी रहते हैं जो पानी निकल जाए। कम आँच में ही पकाना चाहिए और इसके बाद इसमें जो मसाला डालेंगे उसको मैं बताने जा रही हूँ। ये है धनिया पाउडर, ये जीरा पाउडर, ये है चिकन मसाला, ये है हल्दी। तो इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे ताकि उसका कलर आ जाए। फिर इसमें जीरा, कुछ धनिया और कुछ चिकन मसाला। स्वाद के अनुसार मैं यहाँ पर नमक डालूंगा। आप अपने स्वाद के अनुसार मिर्च डाल सकते हैं और हमारे घर वाले मिर्च पसंद नहीं करते हैं इसलिए मैं मिर्च नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही बना रही हूँ क्योंकि सूखा मिर्च पेट के लिए हानिकारक होता है। अगर मुझे मिर्च खाने की ज़रूरत होती है तो मैं
हरी मिर्च इसका डाल देते हैं, पर आज मैं इसमें मिर्च नहीं डालूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी निकल रहा है। तो मैं इसको तब तक बनाऊंगी जब तक कि इसका पानी पूरा सूख ना जाए। तो धीरे धीरे पानी निकलेगा। अब देखिए ये मशरूम बनकर तैयार हो गया है। इसे हम रोटी के साथ या भात के साथ किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। धन्यवाद, मैं रेफर कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।